नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बिहार में टेरर मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद कई ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिससे आप सुन करके इस बात के लिए चिंता करेंगे कि आखिर में आतंकियों की और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की सोच क्या है। गजवाए हिंद और डायरेक्ट जिहाद, इस के लिए जिस तरीके की सोच पूरे देश में चल रही थी और जिसका खुलासा बिहार के फुलवारी शरीफ से हुआ है, उसके बाद NIA उस पूरे प्रकरण पर जांच कर रही है और जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे आपको लग सकता है कि जो बातें आशंका के तौर पर कही जा रही हैं वो बात सच साबित होती जा रही है, क्योंकि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का लिंक विदेश से है ये पहले आशंका जताई गई थी और इनकी फंडिंग होती रही है। ये दो मुद्दे ऐसे उठाए गए थे जो अब प्रमाण के साथ प्रस्तुत होने लगे हैं कि वास्तव में आतंकियों की यही सोच थी और डायरेक्ट जिहाद गजवाए हिंद के लिए जो कुछ भी किया जा रहा था उसके लिए जो खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। NIA जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो AV स्टार न्यूज आपको दिखा रहा है। बिहार आतंकी मॉड्यूल मामले में जो खुलासा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। वो ये है कि कतर से क्रिप्टो करेंसी में फंडिंग हो रही थी। इस पूरे प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तानी संगठन तहरीके लब्बैक से जुड़ा था दानिश। दानिश वो व्यक्ति जो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, भारत विरोधी दो व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है दानिश। ये जानकारी आप तक पहले पहुंच चुकी है, वो हम बता रहे हैं। गजवाए हिंद और डायरेक्ट जिहाद ग्रुप चला रहा था दानिश, ये भी आपको पहले से पता था, जो हम आपको एक बार फिर याद करा रहे हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ का रहने वाला मरगुब अहमद दानिश गिरफ्तार किया जा चुका है। 26 वर्षीय दानिश पूछताछ में ढेर सारी जानकारियां देते हुए पाया गया है। 15 जुलाई को पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार किया गया था, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और NIA इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है, ये भी आपको पता है। हमारे साथ सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं जीशान। जीशान, क्या कुछ नई जानकारी आ रही है, क्योंकि दानिश ने जो खुलासा किया है या और जो लोग हैं इससे जुड़े जिनसे पूछताछ चल रही है, अब ये बात सामने आ गई है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग होती थी। आपको बता दें, ये सब प्रकरण जो है बिहार के फुलवारी शरीफ का है और यहाँ पे जो बात करें टेरर फंडिंग की, अगर बात करें तो यहाँ अभी कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जो विदेश से पैसा है वो इन संगठनों को मिल रहा था ताकि वो अब देश में अराजकता का माहौल पैदा करे और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से ही ये फंडिंग की जा रही थी। और इस मामले में दिवाकर एक बात आपको और कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पटना पुलिस लगातार इस मामले पे जांच कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पटना पुलिस जो थी, बिहार पुलिस जो थी, उन्होंने एक गलियारा खुला छोड़ दिया था इन अपराधियों के लिए कि उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों के ऊपर UPA नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों ये जो संगठन है PFI संगठन पे कोई भी प्रतिबंध अभी लागू नहीं है। हालांकि जैसे ही NIA शुक्रवार को ये केस अपने हाथ में लेती है, उन्होंने ये भी जो गलियारा खुला पटना पुलिस ने छोड़ा था उसे बंद कर दिया और UPA लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें ये साबित हो चुका है कि जो ये संगठन को जो भी मुद्रा आ रहा था वो सब विदेश से फंडिंग हो रहा था और देश में बड़े पैमाने पे युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया जा रहा था। ये दानिश, आपने विदेश शब्द का जिक्र किया और ये बात सामने आ गई कि कतर से फंडिंग हो रही थी। क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से फंडिंग किया जा रहा था, उसका कुछ तौर तरीका, इसके बारे में कोई नई जानकारी मिल रही है? फिलहाल इस मामले में अभी NIA जांच कर रही है और आपको बता दें ED की टीम भी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर। बिहार के कई इलाकों में ED के
जो अधिकारी हैं वो छापेमारी कर चुके हैं। फिलहाल अभी कोई भी अधिकारी क्रिप्टो करेंसी या फिर विदेशी फंडिंग के बारे में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं, कोई भी अभी स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। क्रिप्टो करेंसी द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पैसा जो है हवाला के जरिए दूसरे देशों से भारत में पहुंच रहा था। जिसान, मैं आपको बताऊं कि हवाला क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से लिंक किया गया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक का पिछले एक 5 साल में ये ज़्यादा प्रभावी तौर पर विदेशों में प्रयोग किया जाने लगा, यूरोप के कई देश, अमेरिका तक में भी, और इस करेंसी के प्रभावी रूप से एक मान्य मुद्रा के तौर पर जब एक्सेप्टेंस होने लगा, उसके बाद से यहाँ के जो टेरर मॉड्यूल्स थे, चूंकि ये नया करेंसी का एक माध्यम है और आदान प्रदान हवाला के ही जरिए होता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में सेफ्टी का मोड ज्यादा था, ये वो फैक्ट है। और कतर से हो रहा था और कहीं से नहीं, जानकारी अभी ये भी हो रही है। इसका मतलब है कि तहरीक लबैक एक पाकिस्तानी संगठन है और इस संगठन का कोई एक आतंकी उद्देश्य नहीं, बल्कि उस हर एक देश में जहां इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को प्रभावी किया जाए, वहां पर तहरीके लबैक के जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है और इसके माध्यम से फंडिंग भी की जाती है। जो कुछ भी आपने राजस्थान में कुछ घटनाएं देखी हैं वो सब तहरीके लबैक के सोच के लोग हैं। तो ये आतंकी संगठन जो एक माइंड थॉट प्रोसेस होता है वो तहरीके लबैक करता है और तहरीके लबैक इस पूरे फंडिंग में मीडिएटर का काम करता रहा है, ये वो फैक्ट है। फिर इस स्थिति में पूरे बिहार में एनआईए जो जांच कर रही है वो अब कितने एरियाज में इस तरह के छापे मारे जा रहे हैं या इस तरह के संगठन जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दानिश 2 व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, गजवाए हिंद और डायरेक्ट जिहाद, उससे भी क्या कुछ नई बातें निकल करके सामने आई हैं? जी, आपको बता दे दिवाकर कि एनआईए ने जब जांच किया तो उनके पास कई सारे सबूत मिले और कई दस्तावेजों को खंगाला गया है। तो जिसमें आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर गजवाए हिंद का व्हाट्सएप ग्रुप और मार्कर संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप मिला था, जिसमें आतंकी फैलाना और ब्रेन युवाओं का ब्रेन वॉश करने का कोशिश किया जा रहा था। और कई सारे ऐसे जो थे जो 2047 इंडिया एज 2047 एक बुक मिला, जिसमें आतंकवादी और कट्टरपंथी गतिविधियों का उल्लेख किया गया था। इसको लेकर एनआईए अब तक यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, केरल राज्यों के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन आदि देशों में उनके लिंक का पता अभी तक एनआईए को चला है। फिलहाल एनआईए लगातार जांच जारी किया हुआ है और इन आतंकियों का कहां से क्या लिंक है और इनका भारत में क्या मंसूबा है, इसको पता लगाने में लगी हुई है। जिशान, जहां तक मंसूबे का सवाल है, इस पर ढेर सारी बातें सामने आई हैं और जैसा कि इस टेरर मॉड्यूल में एक वो फैक्ट है जिसे आप भी जान सकते हैं और आप जान भी रहे होंगे, उसमें स्लीपर सेल्स को प्रभावी करने का एक बेहतर तरीका होता है। बड़ा सवाल यह है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है और इसके पीछे जो 8-10 उनकी मंशा थी उस पर भी समय समय पर बातें सामने आती हैं, लेकिन एक बुक में ये जो सारी बातें आई हैं, क्या 2047 ही समय को क्यों चुना गया है, इसके बारे में कोई नई जानकारी आपको मिली है? देखिए, अभी तो 2047 समय क्यों चुना गया है इस पर एनआईए शुक्रवार से लगातार जांच कर रही है और रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी हुई है। जैसे रिमांड पे ये लोग मिलते हैं या रिमांड पे लेकर इनसे पूरी जांच की जाएगी, पूछताछ फिर से एक बार नए सिरे से की जाएगी ताकि पता चल पाए कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो इन लोगों का संकल्प था 2047 तक, उसके लिए इन लोगों ने कितनी संगठन और भी फैलाए रखे हैं देश में और कितने लोगों को जोड़ रखा है ताकि इन सभी पे कार्रवाई करी जाए। वहीं आपको बताते चले दिवाकर के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कट्टरपंथी संगठन पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया और प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी, जिसे हम लोग जानते हैं, की बड़ी भूमिका को देखते हुए ही एनआईए ने ये केस अपने हाथ में लिया था।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र जिसान आप बार बार कह रहे हैं, एक जो जानकारी है और अब तक इन सारे मुद्दों पर जिस तरीके से मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर इस पर कवर भी करता रहा हूं, तमाम सोच भी किया हूं, इसमें 5-7 ऐसी बातें हैं जिसे समझ लेना जरूरी है और शायद इस पर जुड़े कुछ जानकारी हो। वो जानकारी ये है कि किस तरीके से यहां पर मुस्लिम संगठनों को और मुसलमानों को एक किया जाए, लेकिन उसके पहले जो अन्य समुदाय हैं उनके साथ घुल मिल करके उनको अपनी तरफ कैसे किया जाए। साथ ही साथ जब भी कोई मुद्दा उठाया जाए उसमें मुसलमानों के अतिरिक्त बार बार जिक्र किया जाए कि दलितों की बड़ी समस्या है। और इसलिए आप देखिए कि पीएफआई की भाषा में लगभग हर एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता सड़क से लेकर के संसद तक बोलने का प्रयास करता है, जिसमें मुस्लिम समस्याओं के साथ वो दलितों की समस्या उठाता है। इसलिए पीएफआई की जो सोच है और जो कुछ भी इस बुकलेट्स में है वो तो साफ दिख रहा है। देखिए दिवाकर, अगर हम बात करें मुस्लिम या दलित की, आपने अभी जो बात किया है, तो अगर हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की, तो भारतीय राजनीति में मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय जो है एक विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो मुस्लिम समुदाय को लेकर और दलित समुदाय को लेकर राजनीतिक पार्टियां बनी है और इनके हित में कार्य करने का भी बात करते हैं, लेकिन जब अगर हित की बात की जाए, अगर कुछ अच्छे कार्य की बात करी जाए, तो यहाँ पे लोगों को खाली निराशा ही मिलता है, क्योंकि ये जो संगठन है, ये जो पार्टियां हैं, वो सिर्फ दिखावा करती हैं कि हम मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं या फिर हम दलितों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव कुछ और रहती है। अगर प्रमुख अभी देख लिया जाए तो विपक्ष में कांग्रेस की सरकार है जो कि शुरुआत से ही मुस्लिम हित के बारे में ही कार्य करती रही है, लेकिन अगर वास्तव में मुस्लिम हित की, तो अभी कांग्रेस या प्रेजेंट में देखा जाए तो मुस्लिम में अभी एजुकेशन की बहुत ही कमी है। दिवाकर, ये एक बहुत नोटेबल मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर मुस्लिम समुदाय की अगर बात करी जाए, क्योंकि मैं बिहार में घूम घूम के कई जगह रिपोर्टिंग किया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम जो मुस्लिम जाता है वो गरीबी रेखा के नीचे है, मुस्लिम समुदाय के लोग, और जो गरीबी रेखा के नीचे है और जो सब्जी या फल बेचने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग है, वैसे लोग ही ऐसे संगठन के झांसे में आते हैं जो कि जिसे पीएफआई या फिर अन्य जो संगठन है वो अपने हाथ में लेकर ब्रेन वॉश कर पैसे का लालच देकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करती है। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। 2047 में इस्लामिक राज्य, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, या आप कहें कि इस्लामिक देश बनाने की जो बात सोची गई है, उसमें एक मुद्दा और है और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दिखावे के लिए जब तक समाज के बड़े तबके को प्रभावित न कर लिया जाए, क्योंकि इसमें दिमाग से भी बड़ी बातें रखी गई हैं जिसको दिमागी रूप से यूज करना है, तब तक लोकतंत्र का दिखावा किया जाए और जब अपनी ताकत पूरी हो जाए उसके बाद ताकत के साथ, बल के साथ इस पूरे समाज को मुस्लिम समुदाय में कन्वर्ट कर लिया जाए, उन्हें इस्लाम में शामिल कर लिया जाए। इस सोच पर जो जांच चल रही है, क्या कुछ और जानकारी इसके बारे में मिली है? देखिए, केंद्रीय एजेंसी जो अभी केंद्रीय जांच एजेंसी जो है मुस्लिम युवाओं को जिहादी ट्रेनिंग देने से लेकर कई जिलों में उसके चलने वाले कार्यक्रम के खर्च सहित कई बिंदुओं पर उनकी आय की पड़ताल कर रही है। यह पैसा कैसे देश में पहुंच रहा है, हवाला के जरिए किन लोगों के माध्यम से ये देश में पहुंच रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा जो सवाल है एनआईए के सामने, और इसके रोकथाम के लिए इन लोगों को चिन्हित करना काफी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है और वो एक नए तरीके से केस मैप बना रही है ताकि केस को नए तरीके से हैंडल किया जाए और सभी बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी ऐसा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो छूट ना जाए और लोगों को हिरासत में लेकर ये जो टेरर फंडिंग है उसको रोका जाए, क्योंकि दिवाकर टेरर फंडिंग के वजह से ही ऐसे संगठन बढ़ रहे हैं। अगर टेरर फंडिंग में सरकार या फिर सरकारी संगठन जो है, जितनी सरकारी जांच एजेंसी है, वो अगर रोक लगाने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे आतंकी संगठनों का जो मंसूबा है वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन ये आप शायद सवाल, खैर ये आपसे नहीं है, लेकिन इस जानकारी में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जब ईडी सक्रिय होती है तो हमारे आपके सामने
जो कि हम जनतंत्र के एक समझदार लोग हैं, और विपक्ष ये मांग करता है कि ईडी सिर्फ इसलिए यूज किया जा रहा है कि किसी को परेशान किया जाए। जिशान, टेरर फंडिंग पर रोक लगाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि अनर्गल बिना मेहनत के बिना किसी माध्यम से अगर पैसा कमा लिया गया है तो उस सोर्स की जानकारी लेने के लिए ईडी सक्रिय होती है, और टेरर फंडिंग में अनर्गल गलत तरीके से बेहिसाब पैसा आता है, इसीलिए ईडी की सक्रियता इस देश में बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बिहार से ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स पर हम आपको फिर एक बार बताना चाहेंगे कि ये फुलवारी शरीफ प्रकरण में जिस तरीके की ये जानकारी मिली है उससे ये साफ जाहिर होता है, ये सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि एनआईए का जांच का दायरा विस्तृत रूप से आगे बढ़ रहा है। बिहार और पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जिन पर अब एनआईए की निगाह और निगहबानी, सख्त निगहबानी बढ़ रही है, क्योंकि गजवाए हिंद का जो ये काम चल रहा है ये कोई आज से नहीं है, पिछले 10 से 15 सालों में ये बहुत सक्रिय रूप से इसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और 2047 का जो अभी तक जानकारी, खैर ये आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो ये जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2047 तक आबादी को कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी की स्थिति इतनी कर दी जाए कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी से वो पूरी तरीके से संख्या बल में टक्कर लेने लायक हों, और इसके माध्यम से उनकी जो तैयारी है, जो पीएफआई कर रहा है, वो उस तैयारी के बाद पूरी ताकत के साथ अराजकता पैदा करते हुए लोकतंत्र की आड़ में एक ऐसी स्थिति बना दें कि फिर इस्लामिक साम्राज्य कायम किया जाए, ये पूरी मंशा है जिस पर यह काम चल रहा है। और कोई ये तो अभी जानकारी मिली है वो कि बिहार के फुलवारी शरीफ से एक दरोगा और उससे जुड़े संबंधी या कोई और तीसरी जानकारी से नहीं, इसके लिंक बहुत बड़े हैं, क्योंकि विचारधारा के स्तर पर जिस तरीके से तहरीके लब्बैक भारत के मुस्लिम समुदाय को पूरी तरीके से प्रेरित कर रहा है इस्लामिक राज्य के स्थापना के लिए, उस पर बहुत सलीके से, बहुत चोरी छिपके लेकिन पूरी रणनीति के साथ काम चल रहा है, और इस तरीके की कार्रवाई करके एनआईए अभी तो सिर्फ एक परत के कुछ अंश दिखा पाई है, ये मामला और बड़ा है, आगे आने वाले समय में इस पर और भी बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट और कतर जैसे देश से फंडिंग का यह मामला पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि इसके लिंक पूरे देश में फैले हुए हैं, और एक डेढ़ सालों से जिस तरीके से वैचारिक स्तर पर एक विशेष समुदाय अर्थात मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से प्रेरित किया जाता है, पत्थरबाजों को सामने लाया जाता है, वैचारिक स्तर पर इस लोकतंत्र में मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा, एक झूठी अफवाह फैलाई जाती है, ये सब भी विचारधारा के स्तर पर गजवाए हिंद के जो सोच रखने वाले लोग हैं यही वो काम कर रहे हैं जो इस बुकलेट में मिला है, और आने वाले समय में इस पर प्रमाण के साथ और बड़े खुलासे होंगे। क्या वो खुलासे होंगे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।